नमस्कार, बिहार शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। जातिगत जनगणना की दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर औरंगाबाद में प्रांगण घर घर जा रहे हैं और तमाम जानकारी ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों से 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो जातिगत जनगणना की दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से हुई थी, जो कि 15 मई तक चलने वाली है। और जाके आपको बता दें कि सभी घर में वो जा रहे हैं और जाति के बारे में लेकर साथ ही साथ तमाम जानकारी ले रहे हैं। पूरे 17 सवाल पूछे जा रहे हैं और साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं प्रांगण, पहले आप वो सुने। हम लोग सीरियल वाइज से जो भवन और संख्या है और मकान संख्या पहले सर्वे कर चुके हैं और करने के बाद में सीधे परिवार के साथ जा कर के मिल करके उनका भवन क्रमांक देख करके और अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, इसमें मोबाइल ऐप दिया हुआ है, इसमें इसी के माध्यम से हम लोग सीरियली 36 नंबर अभी क्रमांक को हम लोग पहुँचे हैं। मोहम्मद नसरुद्दीन खान, इनके 10 परिवार हैं, तो 10 परिवार हैं तो इनके परिवार के संख्या टोटल हम लोग लिखते हैं। इसके बाद फिर उनके पुत्र मुखिया जी से क्या संबंध है, परिवार के प्रधान से क्या संबंध है, उनकी आयु क्या है, इसमें 17 तरह के कॉलम हैं, वो सबको हम लोग पूरा कर रहे हैं और आधार संख्या भी स्वेच्छा से ले रहे हैं। जो दे रहे हैं, जो मुखिया यहाँ पर लिखवा रहे हैं, उनको हम लोग स्वेच्छा से लिख ले रहे हैं और अपने से भी कुछ स्तर से भी हम लोग निगरानी कर ले रहे हैं। इसके अलावा और यही सब, हम लोग दोपहर में भी हम लोग की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, हम लोग यहाँ से घर जाने में भी बहुत परेशानी होता है। दिन भर हम लोग इस धूप में काम कर रहे हैं, हम लोग को भी कुछ सरकार को चाहिए कि कुछ पारिश्रमिक किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र में। ऐसे रिस्पांस तो हम लोग के अच्छे मिल रहे हैं, घर पर जा रहे हैं तो अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। कहीं कहीं कुछ घर बंद मिल पड़ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हम 4 दिन के बाद आएंगे। किसी परिवार के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ बोल रहे हैं कि आप अगले हफ्ते मिलिए हमसे, हम यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम लोग को थोड़ा परेशानी भी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश राय, मैं उपगणना ब्लॉक 4 मेरा नंबर है और वार्ड नंबर 11 का अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही कॉलम मोटरयान और कृषि भूमि आवासीय भूमि के पास जा रहे हैं तो कुछ तकलीफें भी हम लोग को सहना पड़ रहा है। तो आपने प्रांगण को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना कि किस तरीके से वो परेशानियों को भी बता रहे हैं और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे बिहार में नहीं रहते, जिनके घर में ताला लगा हुआ है, उनसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो तमाम जानकारी ली जा रही है, तमाम 17 सवाल पूछे जाएंगे। और साथ ही आप पहले ये सुनिए कि वहाँ पे जो लोगों के वो जो घर जा रहे हैं वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जनगणना के लिए आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और जनगणना बना रहे हैं अपना। क्या क्या पूछताछ कर रहे हैं? वही कारोबार क्या है, मकान है या दुकान वकान वगैरह जो भी है, और अपना जनगणना बना रहे हैं, कर रहे हैं। जाति भी पूछ रहे हैं? हाँ, जाति भी पूछ रहे हैं। क्या फ़ायदा है इससे? इससे तो फ़ायदा राशन कार्ड वगैरह सब बनेगा और जो लाभ मिलना होगा सरकार की तरफ से मिलेगा, और क्या बोले गरीब आदमी। तो आपने शिवाना को सुना, वो कह रही है कि ये जो प्रांगणक है वो घर आके तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनके जाति के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही उनके मकान के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे क्या है, तो तमाम जानकारी दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।